हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सादिक और हम आपके लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स लेकर आए हैं एंड हम आपके साथ फिजिक्स डिस्कस करेंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। नाउ वेव ऑप्टिक्स से पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो तीन चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए। पहली चीज़ है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में लाइट का जो प्रोपगेशन है वो रेक्टिलिनियर लिया जाता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है। अब स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन जो है उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि क्यों लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है वो ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बात अलग है, जो नॉर्मली जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो शेडो बनती है तो वो शेडो काफ़ी शेडो की जो बाउंड्री होती है बहुत शार्प होती है। हमें पता होता है कहाँ से शेडो स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर शेडो की डार्कनेस है और कहाँ पर लाइट है। दैट इज़ वाई जो लाइट का प्रोपगेशन है वो रेक्टिलिनियर लिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट किसी सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है तो वो फिर वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसमें दो तीन चीज़ें, दो बातें हैं। पहली बात कि ये जो लाइट रे आ रही है दिस इज़ इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे, और जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसको सिंपली हम कहते हैं नॉर्मल। ना पहली बात ये होती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। दूसरी बात, नॉर्मल से इंसिडेंट का जो एंगल होता है वो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है नॉर्मल से उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। अगली बात जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाए। जैसे लाइट एयर से आ रही है, एयर से वाटर में चली गई या ग्लास में चली गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो अपना स्ट्रेट लाइन जो प्रोपगेशन होता है उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। जहाँ पर मीडियम चेंज होता आता है वहाँ पर प्रोपगेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नाउ अब इसमें जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है वहाँ से एक नॉर्मल हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये इंटरफेस है हमारा जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दिस इज़ नॉर्मल टू द इंटरफेस। देन ये वाला एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब इसमें भी वही बात कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस और रिफ्रैक्टेड रेज, ये तीनों सेम प्लेन में होती हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एंगल का साइन और इस एंगल के साइन का जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है प्रोवाइडेड अगर ये दोनों मीडियम सेम है। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये कांस्टेंट भी बदल जाएगा। और उसके साथ साथ एक और बात कि ये जो लाइट है उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये जो कांस्टेंट है ये किसी एक सिंगल वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट है उसके लिए ये एक कांस्टेंट आएगा। अगर हम इस लाइट की वेवलेंथ बदल देंगे तो ये कांस्टेंट भी बदल जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक मीडियम चेंज कर देंगे तब भी ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। सो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट। इफ यू चेंज एनी ऑफ द टू देन दिस कांस्टेंट विल चेंज। ओके, एंड यही चीज कहलाती है स्नेल्स लॉ। नाउ लाइट की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत साइंटिस्ट के बीच में इसके लाइट को लेके, लाइट के नेचर को लेके बहुत आर्गुमेंट रहा कि एक्चुअली लाइट का नेचर क्या होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल लाइक होता है, वो भी मैटर की तरह से है, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि लाइट मैटर नहीं वेव होती है, सिंपली वो एनर्जी है। तो इसकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है न्यूटन के ही टाइम से। नाउ स्नेल्स लॉ जो है ये न्यूटन से भी पहले का है और ये सारी चीज़ें वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और ये लाइट की जो स्टोरी जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे बहुत पहले ये सारी चीज़ें, ये जो लॉज थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, ये सब इस्टेब्लिश्ड थे।
एंड दे आर वेल प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, और आज भी ये आई मीन देर इज नो डाउट दे स्टिल होल्ड, दे स्टिल फॉलो. नाउ अब बात हमारी यहाँ पर ये है, तो ये सारी तो चीज़ें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की हैं या रे ऑप्टिक्स की हैं, बट वेव ऑप्टिक्स या जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारा मेन पॉइंट ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, इज इट पार्टिकल लाइक और इट इज सिंपली वेव. नाउ न्यूटन से पहले रेने डेकार्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है. सो इसको लेकर काफ़ी सारी थेरीज थी एंड वन बाय वन हम उसको डिस्कस कर लेंगे. एंड इसमें से कुछ चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें नहीं हैं. जैसे अभी ये जो कॉर्पस्कुलर थेरी है, जो ओल्डेस्ट थेरी है, उससे एज सच कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. स्टिल वी नीड टू हैव टू बिल्ड अ बैकग्राउंड. सो रेने डेकार्ट ने ये प्रपोज किया कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको कॉर्पसल्स कहा गया उससे मिलकर बनी हुई होती हैं. एंड इसी आइडिया को बाद में न्यूटन ने भी सपोर्ट किया था. देन इस थ्योरी का नाम पड़ा कॉर्पस्कुलर थ्योरी. एंड न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो दी थी उसमें जो आइडियाज डिस्कस किए थे उसके बेसिस पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. लेट अस सी कि न्यूटन के जो आर्गुमेंट्स थे वो क्या थे. सो रिफ्लेक्शन और कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, अब इसमें देखते हैं कि रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. सो लेट अस सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्पस्कुलर थ्योरी. ओके, सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये नॉर्मल टू द सरफेस है और एक ये इस तरह की लाइट रे इंसिडेंट हो रही है. नाउ न्यूटन ने कहा कि जब ये कॉर्पसल्स इस सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स इस सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं, तो वो पार्टिकल्स और सरफेस के बीच का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है. ओके, तो सपोज यहाँ पर ये एक कॉर्पसल है एंड उसकी स्पीड ये v है और ये एंगल हम ले लेते हैं ये थीटा 1 है. तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है उसके कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये आएगा v cos थीटा 1 और ये वाला जो कंपोनेंट है वो आएगा v sin थीटा 1. एंड देन लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. तो सपोज अब ये अगर जो कोलिजन है कॉर्पसल्स और सरफेस के बीच का वो इलास्टिक है तो जो स्पीड है पार्टिकल्स की वो चेंज नहीं होगी. देन यहाँ पर इस कॉर्पसल की स्पीड जो है वो भी v है एंड सपोज ये एंगल जो है वो थीटा 2 है एंड देन यहाँ पर हम इसको इसके कंपोनेंट्स अगर लें तो ये आएगा v cos थीटा 2 और ये वाला कंपोनेंट आएगा v sin थीटा 2. ओके, नाउ कोलिजन जो यहाँ पर है इलास्टिक कोलिजन. सो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इनकमिंग स्पीड और आउटगोइंग स्पीड्स दोनों इक्वल होनी चाहिए. ये जो कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो चेंज नहीं होता है. सो यहाँ पर फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v cos थीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू v cos थीटा 2. देन यहाँ पर ये वे दोनों वी कैंसिल हो जाएंगे. cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2, दैट मीन्स कि अगर हम 0 से 90 के बीच में बात कर रहे हैं तो थीटा 1 एंड थीटा 2 मस्ट बी इक्वल. सो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है. सो कॉर्पस्कुलर थ्योरी से इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है. अब इसमें से जो आइडियाज़ हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, वो कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ये थ्योरी जो है ये ऑलरेडी एक लेम थ्योरी थी एंड इसने सारे क्वेश्चंस को ठीक से एड्रेस नहीं किया. जो भी क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी में नहीं है. सो इट इज़ अ लेम थ्योरी, वी कैन नॉट पुश इट टू वॉक. अगली चीज़ है रिफ्रैक्शन, उसको देखते हैं न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया था. रिफ्रैक्शन
ऑफ लाइट, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये एक इंटरफेस है और ये नॉर्मल टू द इंटरफेस है और यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है एंड ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट की स्पीड या कॉर्पसल्स की स्पीड भी चेंज होगी एंड लेट अस से कि ये जो मीडियम है ये एयर है या वैक्यूम है, सो दिस इज एयर एंड से दिस इज वाटर, सो लाइट एयर से वाटर में जा रही है। नाउ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने डिस्कस किया था डेंसर और रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जब जाती है तो स्पीड कम हो जाती है और नॉर्मल की तरफ जो नॉर्मल टू द सरफेस सॉरी नॉर्मल टू द इंटरफेस होता है उसकी तरफ बेंड कर जाती है। लेट अस सी यहाँ पर न्यूटन के आर्गुमेंट्स क्या थे। तो यहाँ पर कॉर्पसल की स्पीड है वी वन एंड इसके कंपोनेंट्स हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा वी वन कॉस थीटा वन और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी वी वन साइन थीटा वन। नाउ अब न्यूटन का जो आर्गुमेंट था वो ये था कि एयर से वाटर में जब लाइट जाएगी तो चूंकि वाटर जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट करेंगे। नाउ क्यों अट्रैक्ट करेंगे, कौन सा फोर्स कॉर्पसल्स और मीडियम के बीच में काम करेगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था न्यूटन के पास। सो अगर ये कॉर्पसल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला कंपोनेंट जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी का है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ये वाला कंपोनेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा एंड जो भी फोर्स है वो इंटरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा इसलिए इंटरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं रहेगा, वो वही रहेगा वी वन साइन थीटा वन। ओके सो दिस कंपोनेंट इज वी वन साइन थीटा वन एज देर इज नो फोर्स पैरेलल टू द इंटरफेस एंड ये वाला कंपोनेंट बढ़ गया बिकॉज जो जो मीडियम है वाटर वो कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ अगर हम अब रिजल्टेंट वेलोसिटी देखें कि वो किधर आएगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है वो नॉर्मल की तरफ कुछ बेंड हो गई है एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो डेंसर मीडिया सॉरी वाटर जो है वो कॉर्पसल्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो लाइट का जो प्रोपेगेशन है ये जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है एंड सिंस ये अट्रैक्ट कर रहा है तो वाटर में स्पीड ज़्यादा होगी। नाउ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो स्पीड घट जाती है बट कॉर्पसल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर डेंसर मीडियम यहाँ पर वाटर जो है उसमें लाइट जब जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके सो ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती थी कि लाइट, खैर अब इसको हम आगे देखते हैं स्पीड से रिलेटेड जो आर्गुमेंट्स थे। नाउ रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से लाइट ये बेंड हो जा रही। नाउ देर इज नो फोर्स पैरेलल टू द सरफेस पैरेलल टू द इंटरफेस तो इसलिए ये दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो कॉन्स्टेंट रहेंगे सेम रहेंगे। दैट मीन्स वी वन साइन थीटा वन मस्ट बी इक्वल टू वी टू साइन थीटा टू। सो साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। लेकिन चूंकि ये एंगल कम है ये एंगल ज़्यादा है साइन थीटा टू की वैल्यू जो है वो थीटा वन से साइन थीटा वन से कम है तो ये जो रेशियो है ये वन से ज़्यादा आएगा। नाउ अगर ये रेशियो वन से ज़्यादा आ रहा है सो इसका मतलब ये हुआ कि वी टू वी वन से ज़्यादा है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो स्पीड है वी टू वो वी वन से ज़्यादा है। खैर अब इसकी बात अलग है ये ऐसा है या नहीं है ये तो तब पता चलेगा जब हम ये स्पीड मेजर कर पाएँ, किस में स्पीड ज़्यादा है किस में कम है इसको जब तक मेजर नहीं किया जाएगा तब तक इसका इसका कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि कौन सा ये सही है या गलत है। लेकिन स्नेल्स लॉ ये है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पर इस मीडियम में और इस मीडियम में लाइट की स्पीड कॉन्स्टेंट है, चेंज हो जा रही है बट कॉन्स्टेंट है तो ये रेशियो एक कॉन्स्टेंट आएगा। सो दिस इज स्नेल्स लॉ, ये एक तरह से स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अब उसके आगे बात ये है कि ये जो रेशियो आ रहा है ये सही है या नहीं सही है। अगर
इसमें जो स्पीड है, सॉरी अच्छा, अगर इसी रेशियो को हम इस तरह से लिखें, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल टू, अगर हमारा जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आर्गुमेंट है तो उसके हिसाब से कि ये एंगल कम है तो इसमें स्पीड ये कम होनी चाहिए, तो जो रेशियो आएगा दैट विल बी वी वन अपॉन वी टू। अगर इसमें स्पीड कम हो जा रही है और इसमें स्पीड ज़्यादा है तो रेशियो हमारा आएगा वी वन अपॉन वी टू साइन थीटा वन। नाउ अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको तभी प्रूव किया जा सकता है जब हम वी वन वी टू को मेजर कर सके। न्यूटन ने अपनी ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी ये 1672 में दी थी, और लाइट की स्पीड जो पहली बार मेजर की गई थी, उससे पहले भी लोगों ने लाइट की स्पीड मेजर किया था बट किसी के पास एक्यूरेट नंबर नहीं था। लाइट की स्पीड जो मेजर की गई थी वो 1850 में पहली बार मेजर की गई, 1672 में ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी, और उसके बाद 1850 में लाइट की स्पीड मेजर की गई तो पता चला कि वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है, एयर में स्पीड ज़्यादा होती है। सो ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है ये अपने आप में ये एक ड्रॉबैक है इस थ्योरी में, ये थ्योरी सही नहीं है। एंड कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे उसमें, जैसे कि अगर लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उनका अपना मास होता है, तो कोई भी सोर्स जो लाइट एमिट कर रहा है उससे जब लाइट कंटिन्यूसली एमिट होगी तो उसका अपना मास कुछ कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई लैंप है, लाइट एमिट कर रहा है तो उसका मास रिड्यूस हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात कि यहाँ पर कॉर्पसल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर रिपेल हो रहे हैं, यहाँ पर कॉर्पसल्स जो है वो उनको मीडियम अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स बीच में काम कर रहा है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तीसरी चीज़ एक और कि कॉर्पसल्स और जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके टेम्परेचर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सपोज एक लाइट का सोर्स है तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका कुछ इफेक्ट कॉर्पसल्स पर होना चाहिए, थर्मल एनर्जी जब बढ़ेगी तो कॉर्पसल्स की भी एनर्जी उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, बट एज सच कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। सो ये अपने आप में एक लेम थ्योरी है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, बट चूँकि न्यूटन बहुत बड़ा नाम था अपने टाइम में, न्यूटन ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, इसलिए ये जो थ्योरी थी ये साइंटिस्ट के बीच में बहुत सालों तक एक्सेप्टेड थी। जब तक कि ये लाइट की स्पीड नहीं मेजर की गई थी तब तक ये जो इसके जो आर्गुमेंट्स जो आइडियाज़ थे वो लोगों में काफ़ी एक्सेप्टेड रहे। एंड न्यूटन के ही टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगंस, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नहीं बल्कि वेव होती हैं, एंड उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी उसके लिए। लेकिन अब वही बात कि न्यूटन का चूंकि स्टेचर बहुत बड़ा था इसलिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी उस टाइम पर ज़्यादा एक्सेप्टेड थी और हाइगंस की थ्योरी को उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया था उस टाइम। दूसरी एक और चीज़ कि अगर लाइट वेव है तो जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लाइक सुपरपोजिशन, वेव जब सुपर इम्पोज करती हैं तो सुपरपोजिशन के बाद वो एक इंटरफेरेंस, एक पैटर्न, इंटरफेरेंस टाइप का एक पैटर्न होता है, वो हमें मिलना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट ने किसी ने लाइट का इंटरफेरेंस शो करके नहीं दिखाया था, तो इसलिए भी हाइगंस की थ्योरी को उतना सपोर्ट नहीं मिला था। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो पाई थी। इसीलिए जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो ज़्यादा पॉपुलर रही थी। नाउ अब हम बात करते हैं हाइगंस की जो थ्योरी थी। नाउ हाइगन ने ये प्रपोज किया कि लाइट जो है वो वेव होती है, और अपनी जो थ्योरी थी उसके बेसिस पर हाइगन ने सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़, हाइगन ने ये प्रेडिक्ट किया कि जब वाटर या डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो उसमें उसकी स्पीड घट जाएगी।
अब ये बात जो थी वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में थी, इसलिए हाइगन्स के एक्सेप्टेंस को इसने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। दूसरी बात, हाइगन ने ये प्रपोज किया कि लाइट वेव है एंड इट इज़ अ मैकेनिकल वेव, दैट मींस कि इसको प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, और जैसे एयर है, वाटर है, ये सब तो हमें मीडियम दिखाई देते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर के बाहर जो वैक्यूम या स्पेस है वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। सो सन से अर्थ तक लाइट कैसे प्रोपगेट करके आती है, तो उसके लिए हाइगन ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम ईथर पड़ा था वो सपोज किया कि एक ईथर नाम का एक मीडियम है जो पूरे यूनिवर्स में हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन बाद में माइकलसन एंड मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उससे ये पता चला कि ईथर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है एंड जो स्पेस या वैक्यूम है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है। नाउ सो यहाँ पर हमें हाइगन का जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है, वो हमें यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम में उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, सो उसको हमें ध्यान से देखना है। उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, वेव फ्रंट और हाइगन्स की थ्योरी, और फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। सो हाइगन्स की थ्योरी को हम डिटेल में देखेंगे, उसी के साथ कंटिन्यूएशन में बात कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ। नाउ कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बल्कि वो तो एक तरह की वो रॉन्ग थ्योरी है, और हाइगन्स की जो थ्योरी थी उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हाइगन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लाइक ईथर जो मीडियम है उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। बाद में फिर थॉमस यंग ने एक इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया था, और इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है लाइट का उसको शो करके दिखाया था, तो यहाँ से फिर ये एविडेंस मिलना स्टार्ट हुआ कि लाइट जो है वो एक्चुअली में वेव है। लेकिन फिर भी बात ये रह गई थी कि एक्चुअली उसका नेचर कैसा है, अगर मीडियम है तो वो मीडियम किसी एक्सपेरिमेंट में दिखना चाहिए, और अगर वो मीडियम नहीं है, ईथर जैसा मीडियम नहीं है, तो फिर लाइट वैक्यूम में ये जो एम्प्टी स्पेस है उसमें कैसे प्रोपगेट कर पाती है। सो उसके बाद जो सेकेंड हाफ था 19th century का, उसमें मैक्सवेल ने अपनी कैलकुलेशंस से ये शो किया कि लाइट एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सो इसको हम कहते हैं ईएम वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो जो मैक्सवेल का आर्गुमेंट था उसके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कि लाइट के अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दोनों एक दूसरे को इंड्यूस करती हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करेगी तो वहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी टाइम वेरिंग होती है, एंड देन वो फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करेगी, तो वो दोनों एक दूसरे को सस्टेन करते हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच देन अगेन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को सस्टेन कर सकते हैं या एक दूसरे के लिए मीडियम का काम करते हैं। सो दिस इज, सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, सो इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव। जो हाइगन्स की जो आइडिया था उसके ऑपोजिट दिस इज़ अ नॉन मैकेनिकल वेव, और जैसे साउंड वेव होती है या और दूसरी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो उसमें कोई जो क्वांटिटी होती है मीडियम की वो चेंज होती है। जैसे साउंड अगर प्रोपगेट कर रहा होता है सो प्रेशर या डेंसिटी जो होती है वो मीडियम की चेंज होती है। सो उसका जो इक्वेशन होता है वो प्रेशर या डेंसिटी या जो पार्टिकल्स डिस्प्लेस होते हैं उसके टर्म में हम लिखते हैं। किसी रस्सी पर जब वेव चलती है तो उसके भी पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, सो पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम वेव का इक्वेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट जो है उसका इक्वेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के टर्म में लिखते हैं। सो अच्छा, एक और बात कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं दे आर वेक्टर्स, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है।
और जो प्रोपगेशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस कि लाइट की का जो प्रोपगेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, से ये वाई डायरेक्शन है, और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, देन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका प्रोपगेशन होगा। वेलोसिटी जो लाइट की होगी, दैट विल बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी और द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये तीनों ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होते हैं। सो इसका इक्वेशन जो हमें लिखना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के टर्म में लिखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्रोपगेशन लाइट का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा ई वाई, दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी है। यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज टाइम, और ये है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और सी जो यहाँ पर है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये एक फिक्स्ड सिंबल है। किसी मीडियम में अगर हमें लाइट की स्पीड लिखनी होगी तो उसके लिए हम लेटर वी यूज़ करते हैं, बट जब फ्री स्पेस वैक्यूम में लाइट की स्पीड लिखनी होती है तो उसको हम सी से डिनोट करते हैं। एंड सी इज़ अ फंडामेंटल कांस्टेंट। लाइट की स्पीड वैक्यूम में हमेशा सेम रहती है, हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहती है। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर। एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर की अगर हम बात करेंगे, दैट विल बी अलॉन्ग जेड एक्सिस। सो इट विल बी, अच्छा यहाँ पर ये जो ई नॉट है, that is the maximum value or the amplitude of electric field vector. This will be sin omega t minus x upon c. ये हो जाएंगे electric field और magnetic field vectors. So जो Maxwell का argument है वो बहुत satisfactorily ये explain कर रहा है कि light का nature कैसा है and light क्यों medium require नहीं करती है propagation के लिए, और उसमें कौन सी quantity है जो वेरी करती है जब लाइट का प्रोपगेशन होता है। एंड यहाँ पर एक और बात हमें ये ध्यान रखनी है, इस पर ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, कि जो प्रोपगेशन है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो ई क्रॉस बी की अलोंग होती है। सो द प्रोपगेशन इज अलोंग ई क्रॉस बी। नाउ राइट हैंड रूल जो होता है उससे E क्रॉस B, जैसे यहाँ पर E Y एक्सिस के अलॉन्ग है और B Z एक्सिस के अलॉन्ग है, सो E क्रॉस B अगर हम करें तो जो वेलोसिटी आएगी वो X एक्सिस के अलॉन्ग होगी। सो इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले भी, सो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोपगेशन होता है वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है। अब इसमें जो मैक्सवेल की थ्योरी है, ये इससे पहले थॉमस यंग ने जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया था उसको हमें स्टडी करना है, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हम देखेंगे। तो उससे ये प्रूफ तो हुआ था कि लाइट वेव है, लेकिन उसका एक्चुअल नेचर क्या होता है ये बाद में मैक्सवेल ने प्रपोज किया था। तो मैक्सवेल का जो कैलकुलेशंस थी, इसको बाद में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया और रिजल्ट्स जो आए थे वो कंसिस्टेंट थे। तो मैक्सवेल की थ्योरी ने एक जो वेव और पार्टिकल का आर्गुमेंट चल रहा था उस पर एक तरह का टेम्प्रोरी एंड लगा दिया, कि अब इसके बाद ये एस्टेब्लिश हो गया कि लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं है। बाद में फिर क्वांटम थ्योरी जो लाइट की है वो डेवलप हुई, सो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। हम जो डुअल नेचर ऑफ लाइट या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं उसमें फिर ये देखने को हमें मिलता है कि लाइट का नेचर जो है वो, अगर हम वेव लें तो जब किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर इस इंटरैक्शन की, इस फिनोमिनन की हम बात करेंगे तो वहाँ पर लाइट का वेव होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेव जो क्वांटिटी होती है उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। सो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर फिर से एक नया आर्गुमेंट ओपन होता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल नेचर ऑफ लाइट। बट हमारा जो वेव ऑप्टिक्स जो टॉपिक है उसमें हम यही लेकर चलेंगे कि लाइट का नेचर जो है वो वेव है, एक्चुअली इट इज़ अ वेव। सो द आर्गुमेंट्स ऑफ मैक्सवेल,
put a temporary end to the wave and particle argument. अब यहाँ पर हम बात जो लाइट है वो वेव है, बट जो उसका प्रोपेगेशन है वो रेक्टिलिनियर भी है और वेव लाइक भी है. जब हम उसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं, तब जो हम लाइट को डील करते हैं या जो स्कोप उसका होता है, दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. और जब उसका एक्चुअल वेव लाइक प्रोपेगेशन हम देखते हैं तब उसको हम बोलते हैं फिजिकल या वेव ऑप्टिक्स. ना अब इन दोनों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के जो आइडियाज़ हैं उसको अप्लाई करेंगे और कब वेव ऑप्टिक्स के जो आइडियाज़ हैं उसको हमें अप्लाई करना है. सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट जिस ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रही होती है, अगर उसका साइज से जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज ए है, अगर उसका साइज लाइट की जो वेवलेंथ है उससे बहुत ज्यादा है, तब वहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्कोप आता है. अब जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, और 750 कोई बहुत शार्प डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसी रेंज में वेवलेंथ होती है जनरली. और हमारे आसपास जो 400 नैनोमीटर, दैट मींस 0.4 और 4 × 10⁻⁷ - 7 meters to 7 × 10⁻⁷ - 7 meters. ओके, या 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर. तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ होती है लाइट की. एंड हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्मॉल भी अगर होगा तो भी मिलीमीटर होगा या 1/10 mm होगा, इवन 1/100 mm हो तब भी लाइट की जो वेवलेंथ है वो उससे ज़्यादा होगी. सो हमारे आसपास नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका साइज लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं. लेकिन जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ होते हैं, हमें लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, सो अगर साइज ऑब्जेक्ट का लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा है तब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का स्कोप है. लेकिन अगर साइज कम या कंपेरेबल है लाइट की वेवलेंथ के, तब वहाँ पर वेव ऑप्टिक्स की बात होती है. सो वेव ऑप्टिक्स हमारे अराउंड जो है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या लेबोरेटरी का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ही देखने को मिलती है. नॉर्मली हमारे आसपास चूँकि ऑब्जेक्ट्स का साइज बहुत बड़ा होता है इसलिए वेव ऑप्टिक्स या उसका वेव नेचर एक्चुअल दिखाई नहीं देता है. So when the size of the objects with which light is interacting is comparable to the wavelength of light, then we will talk about physical or wave optics. Okay, अब बात करेंगे हम Huygens principle की डिटेल में, और ये आपके लिए examination के point of view से important है. इसमें questions हमारे लिए बनेंगे. इससे पहले जो चीज़ें discuss की गई हैं वो एक तरह का background आपके लिए है, and उसमें जो EM wave हमने discuss किया है वहाँ से एक दो points वो ध्यान से देखने हैं. नाउ हाइगन्स प्रिंसिपल, बिफोर वी डिस्कस हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने के लिए वेव फ्रंट का आइडिया जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हमें समझना पड़ेगा. सो लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. ओके, सपोज वाटर सरफेस है, पानी है, उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं. उसमें हम कोई पत्थर अगर डालेंगे तो हमें मालूम है कि उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करना या कुछ उसमें पत्थर जैसी चीज़ डालने पर उसमें रिपल्स क्रिएट होते हैं, और वो जो रिपल्स होते हैं वो डिस्टरबेंस से, जहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है वहाँ से दूर सर्कुलर फॉर्म में वहाँ से दूर मूव करते हैं. तो से हमने यहाँ पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया है और उसकी वजह से जो रिपल्स हैं वो मूव कर रही हैं. अब जो रिपल्स होती हैं उसमें क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर वाटर जो है वो नॉर्मल जो लेवल है उससे मैक्सिमम हाइट पर होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट, और जहाँ पर डिप्रेशन होता है नीचे चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रफ. सो से ये एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है एंड जो क्रेस्ट एंड ट्रफ हैं वो सर्कुलर फॉर्म में डिस्टरबेंस से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स द रिपल्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स.
ऐसा हो। ओके, अब इसमें इसको टेक्निकली अगर हम कहें तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इन सेम फेज दे आर कॉल्ड वेव फ्रंट। ना अब उसको समझने के लिए देखिए हम क्या कह रहे हैं। यहां पर ये जो क्रेस्ट है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं जो क्रेस्ट पर हैं, वाटर सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्रेस्ट पर हैं, उन सब से एक कर्व अगर हम पास करें तो वो कर्व इसके लिए, इस सोर्स के लिए वेव फ्रंट कहलाएगा। उस कर्व पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब सिर्फ क्रेस्ट के होने चाहिए या तो सिर्फ ट्रफ के होने चाहिए। ओके, सो दिस इज क्रेस्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स दैट आर ऑन क्रेस्ट। और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने ट्रफ के लिए बनाया है। सो अगर इसकी बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर ऑन द ट्रफ, सो ये जो कलेक्शन है उसकी वजह से जो कर्व जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो यहां पर चूंकि रिपल्स जो हैं वो वाटर सरफेस पर ही मूव कर रही होती हैं, सो उसकी वजह से जो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स बन रहा है वो एक कर्व है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और यू कैन से अ लाइन, ये कर्व्ड लाइन है। ना अब इसमें एक बात ये देखिए, सिर्फ क्रेस्ट और सिर्फ ट्रफ ही जरूरी नहीं है, इसको हम समझते हैं कि फेज, सेम फेज क्या चीज होती है। से रस्सी है, रस्सी पर हमने वेव जनरेट किया है इस तरह से। अब इसमें ये वाला जो पार्टिकल है इसको जनरली हम बोलते हैं क्रेस्ट है, और इसको बोलते हैं कि ये ट्रफ है, दिस इज ऑल्सो क्रेस्ट। नाउ ये दोनों क्रेस्ट हैं, सो ये दोनों पार्टिकल्स सेम फेज में है। फेज का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है, मीडियम का पार्टिकल वो किधर मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन एंड सेम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, देन उन दोनों पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेम फेज में है। तो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट दोनों सेम फेज में है। ये ट्रफ, इसके बाद फिर ये नेक्स्ट ट्रफ जो आएगा, दे आर इन सेम फेज। उसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकल वन, दिस इज पार्टिकल टू एंड देन पार्टिकल थ्री, और यहाँ पर एक पार्टिकल है फोर। ओके, नाउ पार्टिकल वन टू थ्री फोर, इन सब की पोजीशन सेम है, दोनों ये जो नॉर्मल पोजीशन है या जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उससे सेम डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ हैं, बट इसमें से सारे पार्टिकल्स सेम फेज में नहीं हैं। लेट अस सी, ये जो पार्टिकल वन है इसके पीछे लाइट, सॉरी जो वेव है, रस्सी की वेव है वो इधर प्रोपगेट कर रही है। तो अब इसके बाद इसके पीछे ट्रफ आ रहा है, अगर इसके पीछे ट्रफ आ रहा है इस पार्टिकल के पीछे, तो इस पार्टिकल को अब नीचे जाना है, और इस पार्टिकल के पीछे क्रेस्ट आ रहा है, जस्ट उसके पीछे क्रेस्ट है, तो इस पार्टिकल को ऊपर जाना है। तो ये जो पार्टिकल है सेम पोजिशन पर है लेकिन ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, सो दे आर नॉट इन सेम फेस। इसी तरह से इसके पीछे ट्रफ आ रहा है तो इस पार्टिकल को नीचे जाना है, और इसके पीछे क्रेस्ट आ रहा है तो इस पार्टिकल को ऊपर जाना है। तो इनमें से हम देख सकते हैं कि पोजीशन सबकी सेम है लेकिन सब सेम फेज में नहीं है। ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, अब उसके साथ ये वाला पार्टिकल है जो सेम पोजीशन पर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है, सो वन एंड थ्री आर इन सेम फेज, सिमिलरली टू एंड फोर आर इन सेम फेज। ओके, तो इस तरह से कई सारे पार्टिकल्स, कोई सा भी पार्टिकल हम लें यहाँ पर, एंड देन फिर हम उसका दूसरा पार्टिकल देख सकते हैं जो इसी पोजीशन पर है और उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो हम उसको बोलते हैं सेम फेज में है। तो इसी तरह से कोई भी वेव है एंड देन सेम फेज में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका जो लोकस होगा, उन सबसे पास करने वाला जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। ओके, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन, द लोकस of all points having same phase is called a wave front. Now, अब ये तो वाटर सरफेस की बात हो गई और उधर हमने रस्सी पर वेव कैसे होती है उसकी बात कर ली है। अब लाइट के बारे में बात करें अगर, सो लाइट की जो वेव, लाइट वेव जो है
उसके लिए वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि सोर्स हमारा कैसा है। अगर हम किसी पॉइंट सोर्स की बात करें, इफ द लाइट सोर्स इज पॉइंट लाइक लैंप है, इस तरह का पॉइंट सोर्स है, दैट मीन्स पॉइंट रिलेटिव एक आइडिया होता है, पॉइंट मतलब द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसकी वजह से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगी, के थ्री डायमेंशनल स्पेस में प्रोपगेट करेगी। सो सपोज अगर हम क्रेस्ट और ट्रफ में बात करें, जो आइडिया हमें ठीक से समझ में आता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो जो क्रेस्ट है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में फैलेगा, स्प्रेड होगा, तो उसके स्प्रेड करने की वजह से जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी अ स्फीयर। सो एक पॉइंट सोर्स अगर है तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेज वो एक स्फीयर होगा। ओके, सो एक पॉइंट सोर्स के अराउंड जो वेव फ्रंट होगा उसका शेप होगा स्फीयर। इसी तरह से अगर लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स का मतलब कई सारे पॉइंट सोर्सेज हैं एंड वो सब एक लाइन पर कलेक्ट कर लिए गए हैं इस तरह से, सो दिस इज अ लीनियर सोर्स, इसे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट सोर्सेज, देन उसकी वजह से जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी अ सिलेंडर। उसके अराउंड जो वेव फ्रंट होगा या जो लोकस होगा सारे पॉइंट्स का जिनका फेज सेम है दैट विल बी अ सिलेंडर। सो यहाँ पर ये हो गया हमारा स्फेरिकल अगर पॉइंट सोर्स है, और अगर लीनियर सोर्स है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल। एंड प्लेन वेव फ्रंट भी होता है, अगर ये वेव फ्रंट बहुत दूर चला जाए, ठीक है, सही, ये जो वेव फ्रंट है ये स्प्रेड करते करते ये वेव फ्रंट जो है ये स्प्रेड करते करते यहां पहुंच गया है, एंड देन उसका हम एक स्मॉल सेक्शन लें तो ये ऑलमोस्ट प्लेन की तरह से होगा, जो जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा दैट विल बी अ प्लेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ है, अर्थ का जो शेप है वो अप्रॉक्सीमेटली स्फीयर है, लेकिन हमें जो अर्थ दिखाई देती है वो नॉर्मली फ्लैट दिखाई देती है, बिकॉज हम अर्थ का जो शेप है, जो उसका सरफेस है वो बहुत बड़ा है, उसका बहुत स्मॉल पोर्शन देख रहे होते हैं। सो उसी तरह से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है उसका अगर हम कोई बहुत स्मॉल पोर्शन ले लें तो वो हमें प्लेन सरफेस की तरह से दिखाई देगा। तो स्मॉल पोर्शन का मतलब कि जब हमारा सोर्स हमसे बहुत दूर है देन जो हमारे पास वेव फ्रंट आएगा दैट विल बी अ प्लेन वेव फ्रंट। सो प्लेन वेव फ्रंट भी होगा, प्लेन वेव फ्रंट व्हेन सोर्स इज फार अवे, ओके, लाइक सनलाइट है, सन से जो लाइट हमारे पास आती है तो सोर्स हमसे बहुत दूर है इसलिए सनलाइट का जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी अ प्लेन सरफेस। अच्छा, अब इसमें एक बात और हमें ध्यान देने की है, यहां पर क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं कि जो प्रोपगेशन और वेव फ्रंट है, से ये एक पॉइंट सोर्स है और ये वेव फ्रंट है, तो प्रोपगेशन इस तरह से हो रहा है, दैट मीन्स कि वेव फ्रंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ओके, जो वेलोसिटी है या जो वेव जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो और वेव फ्रंट जो सरफेस बन रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो अगर इस तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो उससे लाइट थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्प्रेड कर रही है, देन यू कैन से कि ये रेडियली आउटवर्ड मूव कर रही है, देन रेडियस स्फीयर के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह से अगर प्लेन वेव फ्रंट है, इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट है दैट मीन्स कि लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। सो अ वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। ओके, सपोज अगर हमें इस तरह से वेव फ्रंट दिया हुआ है
प्लेन वेव फ्रंट, तो जो प्रोपगेशन है वो इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से. ओके, दैट मीन्स कि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलली मूव कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही हैं. सो द लाइट रेज आर पैरेलल. तो यहां पर अगर हमें वेव फ्रंट दिया हुआ है तो प्रोपगेशन कैसा होगा वो हम दिखा सकते हैं, या अगर प्रोपगेशन दिया हुआ है इस तरह से लाइट रेज दी हुई है तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर होगा उसका शेप. तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमें लाइट रेज दी हुई हैं तो हमसे पूछ सकता है कि वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, या हमें वेव फ्रंट दिया हुआ है तो हमसे पूछ सकता है कि लाइट रेज कैसे प्रोपगेट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह से वेव फ्रंट दिया हुआ है एंड वो ये कह रहा है कि लाइट रेज इधर प्रोपगेट कर रही हैं, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर अगर हम बनाएं, लाइट रेज ड्रॉ करें, तो लाइट रेज कुछ इस तरह से आ रही हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं. सो दिस इज कन्वर्जेंस. ओके, और अगर ये वेव फ्रंट हमें दिया हुआ है और प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट रेज अगर हम ड्रॉ करें तो हमें ये दिख रहा है कि लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही हैं. सो दिस इज डाइवर्जेंस. और भी हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं. अब बात करते हैं हॉइगन्स प्रिंसिपल की. नाउ हॉइगन्स प्रिंसिपल क्रिस्टियन हॉइगन, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था. एंड ये जो प्रिंसिपल है बहुत सिंपल सा एक प्रिंसिपल है, वो हमें ये बताता है कि अगर कोई वेव फ्रंट दिया हुआ है तो थोड़ी देर बाद जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा उसका शेप कैसा होगा. सो एक तरह का ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड है टू फाइंड आउट द शेप ऑफ द वेव फ्रंट फॉर अ गिवन वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, तो अब इसमें कैसे क्या जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि कोई भी एक वेव फ्रंट दिया हुआ है, उस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स को सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस सपोज किया जाएगा. ओके, एक वेव फ्रंट दिया हुआ है एंड देन सपोज एक इस तरह का हम ले लेते हैं प्लेन वेव फ्रंट, देन इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, अब इस पर पार्टिकल्स या पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस के लिए हम कुछ ही पॉइंट्स ले लेते हैं, वो हमारा काम चल जाएगा. सो इस पर जो भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस. जो प्राइमरी सोर्स है, ये जो वेव फ्रंट है, ये ओरिजिनली जहाँ से आ रहा है वो हमारा सोर्स ऑफ प्राइमरी डिस्टर्बेंस है. एंड इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे आर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस. एंड सिंस ये पॉइंट लाइक सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्सेज हैं, तो इनकी वजह से जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा. ओके, सो एक गिवन वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज हैं. एंड देन वो जो ये वेव फ्रंट एमिट करेंगे उसको हम बोलते हैं वेवलेट्स. दे विल एमिट वेवलेट्स. ओके, देन थोड़ी देर बाद इन सारे पॉइंट्स की जो वेवलेट्स हैं, इन सेकेंडरी सोर्सेज की जो का जो वेव फ्रंट है, उन सारे वेव फ्रंट के पर एक टेंजेंट, एक एनवलप, एक ऐसा सरफेस हम ड्रॉ करेंगे जो उन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को टच कर रहा होगा, वो सरफेस हमारा नया वेव फ्रंट होगा फॉर दिस गिवन वेव फ्रंट. ओके, सो इसको देख लेते हैं क्या है. ये हमें वेव फ्रंट दिया हुआ है, then all the particles on the given wave front are sources of secondary disturbances, and then ye point sources hain, ye apne around spherical wavelets generate karenge. To iski wajah se yahan par ek spherical wave front ka portion hum bana rahe hain. Abhi hum batayenge kyun sirf ye portion bana rahe hain, pura sphere kyun nahi bana rahe. Usi tarah se ye wala hai, iski wajah se bhi ye hoga aisa spherical wavelet hoga, uska ek portion hai. and then iski wajah se सिमिलरली इसकी वजह से, तो ये सारे वेवलेट्स हैं या छोटे छोटे वेव फ्रंट हैं ड्यू टू द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेज. देन एक ऐसा सरफेस जो सब पर कॉमनली टेंजेंट है, ओके, सबको टच कर रहा, सबको ढक ले रहा है, वो हमारा होगा शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट. ओके,
सो अ सरफेस दैट इज कॉमनली टेंजेंशियल टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स इज द न्यू वेव फ्रंट. दिस इज अवर न्यू वेव फ्रंट. ओके, सो दिस इज सिंपली हाइगेंस प्रिंसिपल इज सिंपली अ ज्योमेट्रिक मेथड टू कंस्ट्रक्ट वेव फ्रंट फॉर अ गिवन वेव फ्रंट. इसी तरह से एक और वेव फ्रंट ले लेते हैं एंड उसकी वजह से जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा वो देख लेते हैं. से एक इस तरह का वेव फ्रंट दिया हुआ है, स्फेरिकल वेव फ्रंट. देन इस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस एंड देन इसकी वजह से अब ये जो सोर्सेज हैं ये लाइट एमिट करेंगे. सो उसकी वजह से जो वेवलेट्स होंगी दे विल बी स्फेरिकल. बट यहाँ पर हम उसका सिर्फ एक पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस. देन अ सरफेस विच इज कॉमनली टेंजेंशियल टू ऑल द वेवलेट्स दिस वन इज द शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट. अब इसमें आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है. एक बात यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है तो उसी डायरेक्शन में हमने वेवलेट्स ड्रॉ की हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने वेवलेट्स ड्रॉ नहीं की हैं. वो इसलिए हाइगन ने ये प्रपोज किया कि ये जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं इनकी वजह से जो वेवलेट्स जनरेट होती है उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है. इंटेंसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मिनिमम ज़ीरो होती है. ओके, सो इसकी वजह से इस तरफ जिधर प्रोपगेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में उधर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर इंटेंसिटी ज़ीरो है. दैट इज़ वाई हम बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट ड्रॉ नहीं करते हैं. ओके, बाद में इस चीज़ को मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखाया गया था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़ीरो होती है. करचॉफ ने बाद में इसको मैथमेटिकली प्रूफ किया था. ओके, सो दिस इज हाइगन्स प्रिंसिपल. इट इज सिंपली अ ज्योमेट्रिकल मेथड टू कंस्ट्रक्ट न्यू वेव फ्रंट फॉर अ गिवन वेव फ्रंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. नाउ अब इसमें आगे हम देखेंगे कि हाइगन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया था एंड द एक्सप्लेनेशन वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. नाउ यहाँ पर वेव फ्रंट से रिलेटेड जो वेव फ्रंट का आइडिया है वो आपको ध्यान से देखना है कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या है. दूसरी चीज़ हाइगन्स का जो प्रिंसिपल है उसमें इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं. एक वेव फ्रंट हमें दिया हुआ हो सकता है एंड देन थोड़ी देर बाद जो अगला वेव फ्रंट है उसका शेप कैसा होगा, उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि जैसे लाइट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इंटरेक्ट कर रही है, जैसे प्लेन मिरर पर लाइट इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद उसका जो वेवफ्रंट होगा उसका शेप कैसा होगा, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, लेंसेज, प्रिज्म एंड सो ऑन, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं. ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो आई होप कि हम आपको रेगुलर इस पर अपडेट करते रहें. आई मीन रेगुलर इस पर हम वीडियो अपलोड करते रहें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर being with me.